दोस्तों आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट ट्री और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए और टाइप करिए ऑनलाइन इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म 2018। उसके बाद आपके सामने जो लिंक्स आएंगे उसमें से आप किसी भी लिंक पे चले जाइए जो एग्जामिनेशन फॉर्म को दर्शाता हो 2018 के। तो चलिए मैं ऊपर वाला में ही चल जाता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए, डाउन कीजिए, आप नीचे आपको दिख रहा होगा ये देखिए प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन। इससे पहले आपको ये आई ऊपर जो बॉक्स है उसमें टिक लगाना होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन फॉर्म में क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना है। तो प्रोग्राम कोड जो है जैसे कि बीए कर रहे हैं तो बीए डालना है, एमए कर रहे हैं तो एमए डालना है, एमएससी कर रहे हैं तो उसका डालना है, तो उसको लिखना है। उसके बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालिए। दोस्तों इनरोलमेंट नंबर के बाद आपको पेमेंट मेथड चूज़ करना है। तो चलिए चूज़ करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको हर तरह की जानकारियाँ हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका आधार नंबर और बाकी का आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो सबसे पहले चलिए चूज़ करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। फिर आप यहाँ हेयर क्लिक पे जाइए, आपके सामने ये पीडीएफ में दोस्तों जितना भी इग्नू का एग्जामिनेशन सेंटर है सारा का सारा आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आप सर्च कीजिए ऊपर में अपना एग्जामिनेशन सेंटर मतलब अपना शहर और जहाँ पे अभी आप हैं, और जैसे ही मिल जाता है आप इसका कोड है, मैं हजारीबाग में हूँ, मैं कोलम्बस की में लिखना चाहता हूँ, तो उसका कोड है 0528। तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और आगे फॉर्म में इसको भरूँगा। तो चलिए यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से वही कोड डाल देना है जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड है। उसके बाद दोस्तों ये आपका पहले का जो एड्रेस है वो आपका दिखा रहा है, आप नीचे देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। आप यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर को भी दोस्तों बदल सकते हैं जैसा आप चाहें। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ फटाफट। उसके बाद दोस्तों आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं और है तो आप डाल भी सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे को दिया गया है तो मैं डाल देता हूँ। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद आप नीचे आप यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, आपको पर सब्जेक्ट का आपको 120 रुपया देना है, मतलब आप जितना भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और जितना भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं सबका 120 रुपया अभी पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे कोर्स चूज़ करना है, तो फर्स्ट नंबर पे जाइए, अपना कोर्स चूज़ कीजिए कौन सा है, उसका कोड कोर्स का कोड है उसे आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि इसका है BEGE 101 और BEGE 102। तो चलिए एक एक करके मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और ये थर्ड नंबर में हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों आप कहीं भी भर सकते हैं। चलिए मैं इसे वापस से ठीक कर लेता हूँ, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट को ही डाल देता हूँ। चलिए इसे मैं डाल देता हूँ। चलिए इसके बाद मैं और आगे का भरता हूँ। दोस्तों अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास इस तरह के काम वाले वीडियो आते रहेंगे जो आपके काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो मैंने सेकेंड नंबर पे इसको चूज़ कर लिया, थर्ड नंबर पे नेक्स्ट सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता हूँ, BSHF। सब डिक्शनरी वाइज दिया, डिक्शनरी में सीरियल वाइज रहता है उसी टाइप से यहाँ भी दिया है, तो आप आराम से अपना सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद है FEG 01। चलिए देखते हैं
एफ से पहले देखते हैं, एफ का सीरियल आ चुका है। अब एफ के बाद ई का सीरियल देखते हैं, ये रहा एफ, ये रहा ई और ये रहा जी। एफ ई जी 01 और एफ ई जी 02। तो पहले मैं 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद 2 को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार आप चूज़ कर लिए और इस विंडो से आगे आप बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप इसको सुधार नहीं सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान से चूज़ कर लीजिए, आगे आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। बस लास्ट बार मतलब इसको गलती करने के बाद, एक बार फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये सुधारने का मौका नहीं देता, इसीलिए आप ध्यान से चूज़ करिए। चलिए मैं चेक कर लिया हूँ, सब सही है, एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ सब ठीक है भाई, एग्जामिनेशन सेंटर भी ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ नीचे असाइनमेंट आपने फिलअप किया है या नहीं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। कभी कभी होता है कि ये शो नहीं करता है, तो आपको फिर भी यस पे ही क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। आप असाइनमेंट तो जमा कर ही दिए होगे, तो उसके बाद आपको यस करके, यदि आप नो करते हैं तो आप आगे फॉर्म नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप यस करिए और वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिए। ये फाइनल स्टेज है चेक करने का, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से बैक जाकर सुधार सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद आगे बढ़ने के बाद आप दोबारा सुधार नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है। यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद आप नीचे, आपके पास दो ऑप्शन है पेमेंट का, HDFC का और नीचे IDBI। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ATM कार्ड जो है वो इसी बैंक का हो, इन्हीं दोनों बैंक का हो, कोई भी ATM डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर लीजिए। चलिए मैं HDFC बैंक को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये विंडोज़ आएगा, इस विंडोज़ में आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आप बस पे विथ, आपके पास अदर बैंक है का डेबिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डिटेल कार्ड का डिटेल भरना है। चलिए मैं भर लेता हूँ, पहले रुपए कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद भर लेता हूँ। दोस्तों इतना भरने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और फिर आपके पास OTP वगैरह आएगा, तो वो सारा प्रोसेस आपको पूरा करना है। जैसा कि देखिए OTP यहाँ पे आ गया है, तो मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। दोस्तों इसको डालने के बाद जो आपका पेमेंट है पूरा हो जाता है, ये देखिए तुरंत मैसेज भी आ जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद चलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस था वो कहाँ तक हो पाया है, पूरा हुआ है या नहीं। तो इस पर आप होम बटन पे क्लिक कर लीजिए, तो ये आपको इग्नू का होम बटन पे ले गया। दोस्तों आप इसी के सबसे नीचे में देख रहे होंगे क्लिक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी डन, मतलब आप पहले से भर चुके हैं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, तो चलिए मैं डालता हूँ। मैं यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालता हूँ, उसके बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए, फिर आपके पास ये खुल जाएगा आप कब सबमिट किए थे, मतलब कब आप फिलअप किए हैं फॉर्म। फिर आपको नीचे इनरोलमेंट नंबर कंट्रोल नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करना, आपको जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये खुल जाएगा। दोस्तों आप इसे आप चाहें तो सेव करके भी रख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, तो आपके पास सेव करना चाहते हैं तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाइए, ये सामने ये खुल जाएगा, आप यहाँ से सेव पे क्लिक करिए और ये आपका जो है वो सेव करने का ऑप्शन दे देता है। तो अब यहाँ पे आप आराम से इसको सेव कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और मदद करिए उनकी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।